सर, इन पापियों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है सर। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। ए, मुझे घूरता है। ए, इसकी हथकड़ी खोलो। ए, चल अब उठ जा। कान आउट। चल भाग, मोड़ के मत देखना। चल भाग कर रहे, भाग। सर सर सर, मुझे कुछ मत करना सर। इन दोनों की भी हथकड़ी खोलो। सर सर सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं आपका प्यार करता हूँ सर, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। आए भाग, चल भाग, भाग। सर चल भाग, भाग जा बे। सर मेरी कोई गलती नहीं है, छोड़ दीजिए सर। ए, चलो इसकी हथकड़ी खोलो। सर सर सर, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर 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 सर, ए, खड़ा हो जा। सर, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो अपनी जान दे देगी सर। मैं किसी भी गांजा सप्लायर को नहीं जानता और ना ही किसी स्नैचर गैंग को जानता हूँ सर। ए, तेरी इन मीठी मीठी बातों में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। नहीं सर, चुपचाप भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। ए भाग सर, जा रहा हूँ सर, मारिएगा मत सर। सर अरे भाई, तू अपनी बीवी का पैसा लेके मस्त गैराज में काम कर सकता है ना, टेंशन क्यों लेता है? दीदी वो चाय मस्त कड़क। हाँ अबे कमीने, फोन बज रहा है, उठाता क्यों नहीं है? हेलो हेलो, राजा बोल रहा है। रॉन्ग नंबर। अरे भाई सुनो सुनो, तूने देखा क्या बे रंगू, वो बार वाला इसको फोन करके अपना ऑर्डर ले रहा है। अरे कुंभकर्ण की औलाद, देख ना किसका फोन है। क्या नसीब पाया है मैंने, सुबह सुबह फोन आ रहा है। हेलो हेलो गुलकन्ना। हाँ क्या बोलो। साहूकार से धप्पा चले गए, उन्हें तो कल ही जाने को बोला था, आज क्यों गए? अरे कहीं नहीं गए, मतलब चल बसे। अरे मौत को कौन रोक सकता है बे, डेड बॉडी कब ले जाएंगे? दोपहर तक आओगे तो बॉडी मिल जाएगी। शाम को आऊँ तो चलेगा? रात मिलेगी। तू तेरी तो। ए दीदी, पहले फोन निकाल के फेंक दो यहाँ से, शांति से सोने भी नहीं देता ये। अगर ये यहीं पे रहा ना तो मैं इसे बेचकर दारू पी जाऊंगा। हाँ बाप रे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। सिस्टर, इंग्लिश में एक कहावत है, सुनाऊं क्या? अंदर रहने वालों से बदबू नहीं आती है, बाहर रहने वालों से बदबू आती है। क्या बोलती है सरसों? काम धंधा ना हो तो ऐसा ही होता है। सरसों, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है क्या कि हंसी मत उड़ा? मेरे पापा की जिम्मेदारियां औरतें नहीं उठा पाई, इसलिए उनकी जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ इस वक्त। तू भी वैसी है दीदी, अगर सही वक्त पे लड़की देख के मुझे बांध देते तो मैं ठीक ही हो जाता। इस तरह बेरोजगार लोगों के बीच में बैठने के बजाय मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाके एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बन जाता। हाँ हाँ, तेरी बंदर जैसी शक्ल के साथ शादी करवा के उस पाप को मैं ही झेलूं? दीदी, शक्ल के बारे में कुछ मत बोलना, माइंड इट। अरे सुबह सुबह फिर से शुरू हो गया तुम दोनों का झगड़ा। देखिए सत्या भाई, इसके पास तो कोई काम धंधा नहीं है और शादी करने के लिए बोलता है। अरे आप ही बताओ सत्या भाई, परसों गांव जाने के लिए मैंने बस पकड़ी, मुझे सीनियर सिटीजन समझ के कंडक्टर टिकट दे रहा था। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? बस को रोककर आधे घंटे रोया मैं वहाँ। अरे चिल कर यार, हर चीज का टाइम होता है। मेरा तो टाइम ही नहीं आ रहा है सही। अरे तू चुप हो जा यार। सुनो बहन, राजा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? अरे वो कहाँ हो सकता है सत्या भाई, उस रेडियो वाली लड़की की बात सुनने के लिए कहीं घूम रहा होगा। जब उसका रेडियो बंद होगा तब वो वापस आ जाएगा। अरे उसकी बॉडी चाहे जहाँ भी रहे लेकिन उसकी आवाज हमारी टी स्टॉल से नहीं आती है। सरसों जरा रेडियो की आवाज तो बढ़ाना। देखो कैसे करता है मुझ पे ये जादू। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है राज। थैंक यू मैडम। तुमसे शादी करने वाली लड़की कभी बोर नहीं हो सकती। ऐसा क्या? अपनी रूपा का, अरे कहीं खेल रही होगी।
भाई। उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मिल नहीं रहा भाई। ये गली छोड़कर कहीं नहीं गया होगा। सबके घर की तलाशी लो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। बीच में क्या कर रहा है चल भाई। सॉरी। रुक। मैं तो यहाँ पर लोकल फोन ढूंढने आया था लेकिन मेरे हाथ तो एप्पल लग गया। भाई 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 भाई, उस एप्पल को सड़ने से पहले छू सकता हूँ क्या? भाई भाई एक बार छू सकता हूँ ना? ले हट। पहली कॉल मैं करूँगा, उसके बाद जिसको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ कॉल कर सकता। चल छोड़ मुझे। तुम लोगों में कॉल करने का तो छोड़ो, पासवर्ड तोड़ने की भी ताकत नहीं है। इन हाथों ने न जाने कितने पासवर्ड तोड़ दिए हैं। क्या तेरा पासवर्ड नहीं तोड़ पाऊंगा मैं? लोगों की भीड़ देखो भाई, अगर इनमें से आधे लोग भी वोट नहीं देंगे तब भी अम्मी लोग जीतेंगे। आधा क्यों? वो गुलकंद स्टार आके मेरे बारे में चार बातें बोल देगा तो पूरा वोट मिलेगा। अगर बाई चांस वोट नहीं मिला तो? अगर तूने इन लोगों में पैसे बांटे ना तो तेरी चड्डी उतार दूंगा। क्या भाई, ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? मैंने कभी पैंट के अंदर चड्डी पहनी है क्या? तेरी जिंदगी पे इस विषय में तू मेरे को ही फॉलो करता। गरीबों के मसीहा, हम सभी लोगों के नायक, गांव के राजा जन्नी भैया, हम सभी के बीच आ गए हैं। हमारे अगले मुख्यमंत्री दुबई रिटर्न जन्नी भैया की, दुबई रिटर्न जन्नी भैया की।
चन्नी भैया की, चन्नी भैया की, चन्नी भैया की, चन्नी भैया की। आप सबका वोट किसको जाएगा? हम सबके अगले नायक को। अब आ गए हमारे गुलकंद स्टार चिकन्ना, चिकन्ना की, चिकन्ना की, चिकन्ना की, चिकन्ना की। आ गए हमारे स्टार गुलकंद चिकन्ना की। बैठ जाइए, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुलकंद स्टार चिकन्ना, नमस्ते सर। क्या सर अकेले आए हो, कांता नहीं आई क्या? पी कर आने से चुपचाप आने में ज्यादा भलाई होती है। मतलब घर में रखी हुई जलेबी को अगर बाहर लेकर आए तो उस पे मक्खी बैठ जाती है। हम लोगों के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर हमसे मिलने आए हैं हमारे चिक्का जी। चिक्का जी अब आप लोगों से दो शब्द बोलेंगे। चिका चिका, देख भाषण तो तू देने वाला है, लेकिन दो चार बातें ऐसी करना कि मेरा भी फायदा हो जाए, समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, तेरे भाषण से इस बार होने वाले इलेक्शन में मुझे फायदा होने चाहिए। सर, आपने मुझे वहाँ से बुलाया, कैसे बोल सकता हूँ? अभी देखना आपको कैसे बिल्डअप देता हूँ मैं। सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को देख के लग रहा है कि जैसे मेरी गुलकंद मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिल गया है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। मैं कभी आप लोगों को भूल नहीं पाऊंगा। एक जमाने में इसी जगह पर मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, एक लेग पीस के लिए दर दर भटका और किसी के छोड़े हुए लेग पीस को खाकर गुजारा किया मैंने। लेकिन आज इसी जगह पर आप सबके सामने मेरी फोटो लगी हुई है, सुपर स्टार बनकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ आपको पता है क्या? चिक्का भी आपका नाम लेगा, सीटी बजाइएगा। जानते हैं वो कौन थे? मुझे इस राजनीति में मुझे ज्ञान देने वाले मेरे डायरेक्टर। जरा शांत हो जाइए भाई, नेक्स्ट ये आपका ही नाम लेगा, शांत हो जाइए। और सुनिए, पढ़ाई लिखाई ना होने के बाद भी पॉलिटिशियन बनाया इन्होंने। भाई एजुकेशन कम है बोल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है आपका ही नाम लेने वाला है, रेडी हो जाइए। और तो और, एक्टिंग नहीं आए तो हीरो बनाने वाले। लेकिन आज मैं जिसकी वजह से इस मुकाम पर, उस व्यक्ति का नाम इस स्टेज पर मुझे लेना ही पड़ेगा। हाँ, जिस व्यक्ति के कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसका नाम है, उसका नाम है उस व्यक्ति। क्या ये सब पूनम पांडे की तरह एक्सपोज कर रही हो? थोड़ी साड़ी ऊपर कर लो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हीरो बनने के पीछे का कारण, मैं जिस व्यक्ति के कारण हीरो बना, वो व्यक्ति जानते हो कौन है? जानते हो कौन है? वो है मेरा परिश्रम। अरे ये क्या हो रहा है यार, पैसे लेकर वोट दिलाने वाला था लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। आप सभी को एक बात पता है क्या? मोर के पीछे रंग बिरंगे पंख होते हैं, और कुत्ते के पीछे पूंछ होती है, और मुर्गी के पीछे पॉटी होती है। मुर्गा रहता है, लेकिन मेरे पीछे भी एक व्यक्ति होना चाहिए। वो व्यक्ति कौन है आप लोग जानते हैं? जानते हैं? वो आपके सामने इसी स्टेज पर है। आप ही हो भाई। कौन है जानते हैं? मैं हूँ। मैं ही हूँ। और मेरा लुक, मेरा करेक्टर, मेरा ग्लैमर, मैं ही हूँ माँ। तेरी शक्ल खुले हुए गटर की तरह है, तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? क्या हुआ भाई, क्यों मारा मुझे? अबे इतने सारे लोग, ये पोस्टर, ये स्टेज, इन सब पे खर्चा करने वाला मैं हूँ। जैसे कौवे के घर में कोयल कदम रखती है ना, वैसे ही मेरे स्टेज पे खड़े होकर मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, कमीने मार डालूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या किया तूने, भाई की शर्ट फाड़ दी। अरे उनकी शर्ट फाड़ दी, कैसे बेइज्जती कर दी। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये तो यार सेंटी हो गया। कुछ भी करके यहाँ से निकलना चाहिए, अगर यहाँ रहा तो मार मार के कचुम्बर बना देगा। गुलकंद स्टार की जय, गुलकंद स्टार की जय। गाड़ी निकालो। ए जी, थोड़ी कॉफी पी लीजिए।
दिमाग ठंडा हो जाएगा। यहाँ टेंशन से सर फटा जा रहा और इसे ठंड की पड़ी है। भाई आप गुस्सा मत कीजिए, संभालिए अपने आप को। अबे उसे समझा, मुझे मत समझा। हाँ? सलमान खान क्या बॉडी है, मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ। सलमान के पास बॉडी है तो ये क्या म्युनिसिपल की गाड़ी है? अरे मैंने तो ऐसे ही बोला। तूने ऐसे ही नहीं बोला, उसकी बॉडी देख के बोला। अब जाने भी दो। मुंह बंद रख, रहना और खाना मैं देता हूँ और गुन उसके गा रही है। भाई ऐसी खूबसूरत आंटियों की नजर लग लग कर बेचारे की शादी नहीं हो पा रही है और आगे भी पता नहीं हो पाएगी या नहीं। वो बात जाने दीजिए, चिक्का ने स्टेज पर जो सबके सामने आपका अपमान किया है वो आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। मैं भी नहीं भूला हूँ। भागो मामा, भागो, चलो चलो, चलो चलो, भागो, जल्दी मामा, चलो, अरे जल्दी चलो, चलो, आज तो बच गए मामा इन लोगों से, चलो चलो, मामा, ये लोग इस तरह से हमारे पीछे पड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अरे गड़बड़ कहीं नहीं हुई, कल जो स्टेज पे गड़बड़ हुई ना इसलिए ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। अगर आज इनके हाथ लग जाते हैं तो बाथरूम वाला काम यही करना पड़ता है। अरे वो मुझे याद मत दिला, वैसे ही मुझे बहुत तेजी से लगी है, अगर भूल गया ना तो यही कर दूंगा मैं, जल्दी से मिल जाएगी दूसरी जगह। अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं रोक नहीं पाऊंगा। ए मामा, अरे भी कोई जगह है करने की। अरे कैसे रोकूं? अरे मामा क्या करूं अब मैं। मामा क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? उधर देखो, ये जो घर नजर आ रहा ना, यहाँ पर मैरिज फंक्शन चल रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मुक्ति मिल जाएगी उससे। अरे तो जल्दी चल रहे, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ डेड बॉडी। अरे तुम जिस हिसाब से बजा रहे हो ना, मेरी जाने की स्पीड बढ़ जाएगी। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग, जरा धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे बजाओ ना। अरे कहाँ जाऊं मैं। अरे इतनी जोर से लगी कि चल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे मामा थोड़ा कंट्रोल रखो ना। तो कर रहा हूँ। यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हुए हो? शादी में थोड़े पैसे लुटाओ तभी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अपना मुंह बंद रखो, यहाँ सीन कुछ और है। ओ अच्छा, देखो। अरे मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। धीरे ही रखना होगा, रखो धीरज, मौत तो सभी को आती है, समझे? अरे ये सब कैसे जान के मुझे आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं जा रहा हूँ। मेरे बहुत करीबी थे, कल रात ही मुझसे फोन पर बात कर रहे थे, पता नहीं। लेकिन ये तो कल सुबह ही चल बसे थे। बहुत गर्मी है, इतना टाइम हो गया, मामा कहाँ चले गए? अरे जल्दी बाहर निकलो ना, हे भगवान। अरे कैसे रुको, जल्दी बाहर आओ ना। अपने आप को संभालो बेटा, जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अरे दादी मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, यूं गया और यूं आ जाऊंगा। अरे खोलो ना यार। अरे खोल ना यार, अरे जल्दी खोल। अरे दादी आप भी निकल गई क्या? ए दादी गैस से बेहोश हो गई है, जल्दी दरवाजा खोलना। अरे रुको रुको आ रहा हूं। अरे क्या कर रहे हो? अरे
अरे बाप रे भाई आ गए। वो कमीने मिला क्या? भाई हम लोग उनके पीछे तूफान की तरह दौड़े, लेकिन वो लोग तूफान से भी तेज दौड़कर कहीं गायब हो गए भाई। वो लोग ऐसे कहाँ गायब हो जाएंगे? चलो बैठो गाड़ी में। बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग, चलो उन्हें शहर में ढूंढते हैं। चलो आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं, इस तरह घर में ले जाके मुझसे अर्थी उठवा रहा है तू, ये ठीक नहीं है। मामा जरा अपना मुंह बंद रखो ना यार, वो मेरे लिए भगवान है, वो कहते हैं ना एंजल, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे जो करना है वो कर। वहाँ देखो भाई, किसी की अर्थी को ऐसे कंधा दे रहे हैं जैसे कि उनका कोई अपना हो। ए राजा जरा उधर देख, इन कमीनों ने अर्थी को शमशान पहुँचाने का काम कब से शुरू कर दिया। हमने जो पिक्चर शुरू किया ना उसका क्लाइमैक्स आ गया, तो कंप्लीट करते हैं, समझ गए अंकल? एक अरे भैया ये लो पकड़ना इसे, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम बाद में ज्वाइन करते हैं। चलो मामा। भाई नमस्कार भाई, क्या हुआ आप यहाँ कैसे? वो सब रहने दो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो तो भाई बात ये है कि मेरी जो लवर है ना उसके पिताजी गुजर गए हैं, तो सुबह से ही हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल रहे हैं। क्या कहा तुम्हारी लवर? हाँ भाई, वो जो मुड़ के देख रही है ना, वही वही। हाँ हाँ तुम लोग चलो जाओ जाओ, तुम्हें बाद में ज्वाइन करूंगा, जाओ जाओ। ए सच बताओ वो तुम्हारी लवर है क्या? भाई ये लोग बहुत ही शातिर हैं, हर किसी को लवर ही बोलते हैं। मैं समझ गया, झूठ बोलने वाले प्यार नहीं करते, प्यार करने वाले झूठ नहीं बोलते। सुपर भाई। राजा सॉरी, तुम्हारे बारे में गलत सोचा, उस लड़की ने जब पीछे मुड़ के देखा तभी मुझे यकीन हो गया था। लगता है ट्रिक काम कर गई। राजा जरा इधर सुनो भाई, पता है सच्चा प्यार क्या होता है? ये बाहर जाना, मॉल में जाना, आइसक्रीम खाना, ये सब प्यार नहीं होता। हम जिसे प्यार करते हैं ना उसके सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, तभी तो मोहब्बत सच्ची होती है। कहाँ गया राजा? ये लो तुम्हारा जो भी काम है सब निपटा लो, उसके बाद आके मुझसे मिलो। अरे रहने दो रहने दो, जाओ चलता हूँ भाई। अरे मेरा हिस्सा तो दे। अरे चुप करो ना मामा, इसने बड़े सेठ की बेटी पे अपना हाथ मारा है, इलेक्शन के टाइम पे काम आएगा। अबे तेरी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग चलाया कर। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सही है, को काफी टाइम। देखो भाई आ गया। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्कार। रेड्डी साहब की जय। रेड्डी साहब की जय। रेड्डी साहब की जय। कोटी साहब। सर इस बार हमारी पार्टी अगर मेजॉरिटी से जीत जाती है तो लोगों को रूलिंग पार्टी पर भरोसा हो जाएगा। सर हम नोट बांटेंगे तो ही वोट मिलेगा, उस कैंडिडेट के पीछे पूरी जनता खड़ी है सर। स्टेज कोई भी लगा ले लोग तो आएंगे ही, लेकिन सभी उसमें से वोट देंगे ऐसा नहीं है। सब लोग बहुत समझदार हो गए, अब उन्हें अच्छा कैंडिडेट चाहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इलेक्शन के समय आप पैसे लगाइए, इस बार का MLA कैंडिडेट मैं ही हूँ। जरा चेक देना, मैं ही लिख देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी जरूरत हो बेझिझक आप मांग सकते हैं। ठीक है सर। कितना भी खर्चा हो जाए पर जीतना होगा। हाँ। रेड्डी सर की जय। रेड्डी सर की जय। रेड्डी सर की जय। रेड्डी सर की जय। हेलो राधा, कैसी हो बेटी? ओह आई एम फाइन भैया, आप कैसे हो? और भाभी कैसी हैं? उसका क्या है, वो तो एकदम बिंदास है। तुम्हारी भाभी से अगर मैं दिन में एक बार भी बात ना करूं तो उसे चैन ही कहां मिलता है। हेलो राधा, कैसी हो बेटी? मैं तो एकदम ठीक हूं, और आप? तुम मेरा छोड़ो, तुम्हारा फोन ट्राई किया था स्विच ऑफ आ रहा था, हमें कितनी टेंशन हो रही थी, पता भी है तुम्हें? अब तो तुम्हारी जल्दी से शादी करानी पड़ेगी, तब जाकर तुम सुधरोगी। बात ऐसी है भाभी, मेरी फ्रेंड के दादाजी गुजर गए थे, इसीलिए हम सारी लड़कियां मिलकर उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर चले गए थे। उसी टेंशन में फोन चार्ज करना भूल गई, बस इतना ही। अच्छा ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग मैसूर, मैं हूँ आपकी प्यारी राधा और आप सुन रहे हैं रेडियो FM 93.5, सुनते रहिए मेरे साथ।
लक्स साबुन की खुशबू आ रही है, तुम ही हो ना? पहचान गया मैं। हाँ ना, मैं ही हूँ। हाँ, मलो मलो। आहा, आहा, तुम्हारी पीठ मलने पे लग रहा है, जैसे कि मैं मैदा गूंथ रही हूँ। हे, कल गेहूं का आटा कह रही थी ना, अब कितने आटे बदलेगी? हर बार जब मलती हूँ तो अलग अलग तरीके का लगता है यार। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी तो दिल को तेरी याद आई। नहीं बस बहुत हुआ, सिचुएशन के हिसाब से एकदम सही गाना है। अगर कैरेक्टर में ठीक से फिट नहीं हुआ तो समझना कि तुम जीत गई, नहीं तो चलो हटो, ठीक से गाना भी नहीं गाने देते मुझे, घर में जाओ तुम। अरे ये क्या है, अब तक तो अंदर क्या कर रही थी? अरे बाप, और वो अब तक नहाया कि नहीं? बाप रे, इन बैचलर आंखों से और क्या क्या देखना बाकी रह गया भगवान। तुझे शर्म नहीं आती क्या? शर्म वरम तो गांव के बाहर है, तो मैं तो तुम्हारी बहू हूँ ना। अब एक कहानी, चल निकल यहाँ से। एक बार एक लड़का मेरी फ्रेंड कावेरी को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, और उसके मन को जीतने के लिए आपको पता है उसने कितना बड़ा ड्रामा किया? वो डेड बॉडी के सामने बैठकर उसको अपना संबंधी बताते हुए उसने इतना बड़ा नाटक किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आजकल के लड़कों को प्यार के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसे लड़कों के लिए सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अरे कौन है? हेलो हेलो, मैनेजर कृष्णा जी। हाँ हाँ, कल सुबह 5 बजे शूटिंग है। अच्छा, कल है क्या? हाँ हाँ, कल ही है। क्या शूटिंग कल ही है क्या? हाँ। अगर तुम कहो तो आज ही आकर वहाँ पर सो जाता हूँ मैं। हाँ। और साथ में मुझे एक बाल्टी पानी और लाइफ बॉय साबुन दे देना। चल रख फोन। हेलो सर। सही समय पर शूटिंग पे चला गया तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गया तू? बहुत थक गया हूँ। तू अभी अभी कह रहा था कि तेरी नई नई शादी हुई है, तू यहीं पर धक्का नहीं दे पा रहा तो वहाँ क्या करता होगा? कुछ दिन में तुझे छोड़कर भाग जाएगी वो। बाजू के घर वाले हेल्प करते हैं भाई। बाजू के घर वाले हेल्प? तू एक काम कर, तेरे आजू बाजू में कोई घर खाली तो बताना, मैं वहीं आकर सेटल हो जाऊंगा। वो क्यों भाई? तू ही तो कह रहा है कि कोई भी आकर तेरी हेल्प करता है, तेरे क्लोज रहूंगा तो तेरी हेल्प करता रहूंगा ना। अरे क्या भाई, अभी दो दिन के लिए दूसरे के घर में क्यों? मैं क्या मर गया हूँ? वैसे भी मेरी बीवी एक महीने के लिए अपने मायके गई हुई है, और मैं घर पे अकेला ही हूँ, तो आप मेरे साथ तो रह सकते हो ना? ए, रखकर बंद कर, चुपचाप चल। ये चिका, 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 ये चिका। सुन, लड़की और दारू के साथ कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दारू को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पीते हैं, वैसे ही लड़की को भी धीरे धीरे प्यार से जाल में उतार। अरे वो तो लड़की थोड़ी ना है, वो तो जन्नी भैया की बीवी है। ए, वो उसकी बीवी नहीं, आइटम है वो। तू सच बोल रहा है क्या? शूटिंग में 24 के 24 टेक लेने पर भी डायरेक्टर ने मुझे गाली नहीं दी, लेकिन ये जन्नी ने मुझे हर तरह की गाली दी। इसे तो मैं अगले जन्म तक नहीं भूलूंगा, अगले जन्म में मैं इस पे कोड़े बरसाऊंगा। चिका, तेरी बेइज्जती मतलब गली के हर लड़के की बेइज्जती, उसे मैं देख लूंगा। तू बस एक अच्छे समय का इंतजार कर, उसके बाद हॉर्स पावर क्या दिखा देना। ए, वो काम हुआ कि नहीं चेक कर ले। ए, जन्नी आ गया, निकलो। भाई ये चिक्का हमारे गैरेज पर आता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आने दो, छोड़ दो। उस समय इसके ऊपर पैसे लगा के मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरी लुटिया डूब गई। जब दूध गलती से फट जाए तो फटे दूध का पनीर बना लेते हैं। अब देखो भाई, सच में क्यों चिक्का यहाँ क्यों आया है?
गाड़ी रिपेयरिंग के लिए लाया हूँ। ये वाली हम लोग टू व्हीलर रिपेयर नहीं करते, यहाँ सिर्फ फोर व्हीलर का काम होता है। ठीक है वो सब रहने दे। हाँ। ये बता पुराने जमाने की गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है? ईएमआई पे नई गाड़ी लेनी चाहिए ना तुझे। नई गाड़ी का माइलेज कम होता है और पुरानी गाड़ी फुल माइलेज देती है, एकदम टकाटक। दौड़ाने में बहुत ही मजा आता है। गुलकन्ना इधर आ, गाड़ी स्टार्ट होती है क्या चेक कर दो। ये पुरानी गाड़ी है ना, इतनी इजीली स्टार्ट नहीं होगी। इधर झुका कर, उधर झुका कर, सीधी करके किक मारो तो चलेगी। भाई नहीं भाई, इतना रिस्क मत लो, ये बहुत डेंजर आदमी है, इसे वापस भेज दो। हमारे गैरेज पे कितना भी हल्का कस्टमर क्यों ना है, जाते समय संतुष्ट होके जाना चाहिए। बस हमारा रेट थोड़ा ज्यादा है, इतना ही। जो भी खोलना है और जो भी डालना है वो मेरे सामने ही करना होगा। ए, क्या बोल रहा है, खोलना डालना है, वो क्या है? अब 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 नट बोल्ट और क्या? ए चिक्का, इस खटारा गाड़ी को ठीक होने में कम से कम दो दिन लगेंगे। भाई ये भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है। वैसे भी मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, भले ही दो हफ्ते क्यों ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अभी फोन आया था, जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखो। देखो देखो स्टार्ट कर। तेरे बारे में रेडियो पे कुछ कह रही थी क्या? राजा उस आरजे राधा ने अगर तेरे फ्रेंड और उसके बारे में, यानी तेरे बारे में और तेरी फ्रेंड के बारे में रेडियो पे कहा तो क्लोज फ्रेंड, अगर दोनों इतने क्लोज फ्रेंड होंगे तो तेरा और उसका लव होना तो गारंटीड है। गारंटी गारंटी। हम सबने सुना, आपने सब सुन लिया। तुमने भी कहा तभी मैं समझ गया कि वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन की रिलेटिव है। तुमने ऐसा कहा था? अपना मुंह बंद रखना मोस्टली। पता नहीं क्यों जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक छोटा सा डाउट है। तुम दिखने में स्मार्ट हो और वो लड़की क्लास है, और ऊपर से सेठ की बेटी है। तुम्हारी अच्छी किस्मत की वो हाथ लग गई। तुम्हारे लव के बारे में हर एक चीज जानना, बस यही मेरी इच्छा है। राजा उस समय तूने कहा था ना कि तू उसका लवर है, अब पूछ रहा है तो बताना। मामा अपनी कावेरी को पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। केरोसिन लेके मेट्रो डैम चली गई होगी वो। जब देखो बेकार की बातें करते हो। अरे 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 आराम से। अरे भाई देख कर चला करो, छोड़ दो भाई। छोड़ना मत, चोर है वो, उसे पकड़े रहना। भाई भाई छोड़ भाई, चोरी करके भाग गया तू, तेरी भाई छोड़ मुझे। अरे वो आ गई, मैंने पहले ही देख लिया मामा। मेरा पर्स, तुम पागल हो क्या? तुमने उस चोर को पकड़ा क्यों नहीं, उसे भागने क्यों दिया? अब देख क्या रहे हो। मैडम उसे पकड़ के क्या करेंगी, अपना पर्स रखिए ना। अरे इसमें पैसे कहाँ होंगे, लिपस्टिक और पाउडर ही होगा। मेरा मोबाइल, मोबाइल नहीं है। मामा मेरा पर्स भी गायब हो गया, नहीं मिल रहा है। अरे मेरा तो है। हीरो की तरह बिल्डअप देकर मुझे ये खाली पर्स वापस लौटा रहे हो, इस खाली पर्स का मैं क्या करूं? फेंकना मत, मुझे दे दो ना प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड के काम आ जाएगा। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुम लोग आदि मानव और चोर भी हो। चल यहाँ से। मामा जो मन में आया बोलकर ऐसे ही जा रही हो, दम है तो सामने खड़े होकर बात करो। कावेरी। मेरा नाम कावेरी नहीं है। फिर नागवल्ली। नागवल्ली, अच्छा अच्छा। हेलो। झल्ला ये हाथी। हाँ दीदी। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो वहाँ पर गुमसुम सा बैठा रहता है। दीदी जैसे बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान मिला था ना, वैसे ही तुम्हारे बेटे को एक मरे हुए आदमी के घर में प्यार और दया मिल गई है। मतलब प्रेम और दया, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है दीदी। प्रो अरे अपनी जबान को इतना कष्ट मत दो, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम मिल गया आपके बेटे को। सॉफ्टवेयर। अरे कुत्ते कहीं। ये बात तो पहले ही भौंक देता ना। अब भौंक देता हूँ।
आखिरकार उस भगवान की नजर मेरे बेटे पर पड़ ही गई। हेलो हेलो, हटा यहाँ से। ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? किराए की बुलेट लाकर इतना बिल्टअप दे रहा हूँ, फिर भी ये समझ नहीं रही है। जरा सुनिए। हेलो, क्या है ये? तीन दिन से देख रहे हो, तुम मुझे फॉलो किए जा रहे हो। उस दिन मैंने डांटा था, उसका रिवेंज ले रहे हो। सॉरी, जाओ, अब प्लीज जाओ यहाँ से। अरे उसके लिए पीछा नहीं कर रहा हूँ मैं आपका। लगता है तुम बहुत बड़े लफंगे हो। मेरे पीछे घूमने के बजाय अगर कोई नौकरी ढूंढते ना तो अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छी सैलरी भी मिलती और अपनी लाइफ में बिजी हो जाते। ए, ए, बस करो, तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी बोलोगी। कुछ डिसेंट कपड़े पहन के अपने आपको बहुत बड़ा समझती हो क्या? क्या कहा? मैं तुम्हें फॉलो लाइन मारने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो किस लिए? सिग्नल देने के लिए। क्या सिग्नल? ये तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा सिग्नल। इस दो कौड़ी के मोबाइल के लिए तुम्हारा इतना डायलॉग सुनना पड़ा मुझे। सॉरी 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 प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे लफंगा समझ लीजिए। सॉरी प्लीज सुनो ना, आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी कहा ना, वो फ्लो फ्लो में जरा ज्यादा बोल गई मैं। ओ फ्लो में, सॉरी। हाँ बाय। अब मुझे लग रहा है कि इससे टाका बिड़ जाएगा अपना। लग रहा है ये पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा तो ये जा रही है LIC में। आई सी। राजा, लाइफ पार्टनर यही है, गारंटी। लाइफ सेट है। हाँ लगता है चला गया। मैसूर में CID का नंबर है 999। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूं। ये रेडियो स्टेशन में क्यों जा रही है? समझ गया। मैं जो इसे 2-3 दिनों से फॉलो कर रहा हूं और इसे जो फोन वापस कर दिया, RJ राधा को वही बताने गई होगी। चलो इसी बहाने अपनी फेवरेट RJ राधा को अपनी आंखों से देख लूंगा मैं। कावेरी, कावेरी। हेलो सर, क्या मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो? बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते, समझे? चलो बाहर जाओ। वो अभी अभी कावेरी जी अंदर गई है ना। हेलो मिस्टर, वो कावेरी नहीं, राधा मैडम जी है, चलो बाहर। राधा? हो सकता है कावेरी उनका निकनेम हो। सुनिए सर, उनका नाम राधा है, कावेरी नहीं है, समझे ना? खाली पली मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ यहाँ से यार। आप मजाक कर रहे हैं, मैं समझ गया, वो कावेरी ही है। जरा बुला दीजिए, बात करनी है। मिस्टर, वहाँ देखिए, उनका नाम राधा मैडम है और ये रहा उनका पोस्टर। तो मेरी फेवरेट राधा कावेरी है। बाप रे, ऐसा लग रहा है वो मेरी आंखों के सामने ही खड़ा है। अब आगे से ना उसके बारे में कुछ कहूंगी और ना ही सड़क छाप कहानी सुनाऊंगी, किसी और टॉपिक पे चर्चा करती हूँ। राजा, हे राजा, इस तरह आसमान की तरफ क्यों घूर रहा है? कहीं आज तुझे वो लड़की तो नहीं मिल गई? कहीं मिली थी? तुझे सिग्नल दिया क्या? पिछले 1 साल से जिस राधा की आवाज को मैं इतना पसंद करता हूँ मामा, वो अपनी कावेरी ही है। सच कर रहा है तू? हाँ मामा। रेडियो वाली लड़की वही कावेरी है क्या? सच में मामा। अरे मान गया कि सच में भगवान मौजूद है दुनिया में, आ जा। थैंक यू मामा। ए, राजा, इतने दिनों से तुम जिस लड़की के बारे में बात करते थे, आज हम उसी के प्रोग्राम को फोन पे भी सुन सकते हैं। सुनोगे? ए, FM लगाओ। अरे बिजली नहीं है। अरे बिजली नहीं है तो क्या, बैटरी तो है, रुक जा, ये देख। आ जा। चालू कर, रेडियो ऑन कर। वेलकम बैक, सुबह की ताज़ा खबर विद राधे। मुझे किसी ने बुके भेजा है, चलिए देखते हैं उसमें क्या है। प्यार के लिए हमें त्याग करना ही चाहिए, लेकिन प्यार का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसे त्याग दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये लड़का किसी से सच्चा प्यार करता है। उसका प्यार कैसे शुरू हुआ होगा, ये जानने की चाह आप लोगों को भी है और मुझे भी है। तो अगला लकी कॉलर कौन है,
आइए देखते हैं। 9141736344। ये तो आपका नंबर है भाई। अरे तो तेरा नंबर है ना। अरे भाई फोन बचा, उठाइए ना। उठा 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 उठा, जल्दी बात कर। चुप चुप चुप। हेलो। हाय, मैं आरजे राधे बात कर रही हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा है। प्यार के लिए सब कुछ त्याग दो, लेकिन प्यार को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये आपने ही लिखा है ना? इसे पढ़कर ही समझ आ रहा है कि आप किसी से सच में लव करते हैं। बस लव नहीं मैडम, डीप लव है। वेरी नाइस। वैसे आपका ये प्यार कहाँ और कब शुरू हुआ जरा बताएंगे? मेरा प्यार जहाँ शुरू हुआ था वो एक मैयत का घर। क्या कहा? मैयत वाला घर? सच में वहीं से मेरी स्टोरी शुरू हुई थी। क्यों, प्यार कोई जगह देखकर किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या मैं आपसे वो लड़की कौन थी उसका नाम जान सकती हूँ? हाँ, उसका नाम कावेरी है। क्या कहा? कावेरी। कावेरी। राजा जी, आप लाइन पर ही रहिए और ये गाना सुनिए, मैं आपसे कुछ समय बाद बात करती हूँ। हाँ? हे कम कम कम। अरे कौन है ये? अब मैं क्या करूँ यार? राधा, जब मैंने तुमसे पूछा था तुमने कहा था उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अब मौका मिला है। सब कुछ पूछ लो, उसका पूरा बायोडेटा ही ले लो। हाँ यार, हाथ लगाए तो छोड़ना मत। यस ओके, मैं कलेक्ट करती हूँ। राजा जी, आप लाइन पर हैं क्या? अरे रे, लाइन से भला कैसे जाऊंगा, कब से ये लाइन पकड़ के बैठा हूँ। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं भाई कौन सा काम करता हूँ? अरे नहीं, अच्छा अच्छा, एक सेकंड मैडम। मैडम वो ट्रैफिक एक बार रुक जाए फिर बताता हूँ। वो मैं IBM में। वाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो मतलब आप? हाँ, यस यस, मैं वही काम करता हूँ। तो लाखों लाखों की पेमेंट, वीकेंड पर पार्टी और फ्रेंड्स के साथ लाइफ एंजॉय करते होगे, है ना? Am I right? क्यों नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। ओके, तो आपके और आपकी प्यारी सी कावेरी जी के लिए ये सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, सुनकर एंजॉय कीजिए। थैंक यू। पार्टी देने के लिए थैंक्स। ना उठा रहे, देख कौन है। पता नहीं कौन है। हेलो। कट हो गया क्या? अरे उठा ले। हेलो। अरे सुनो सुनो, फोन क्यों कट कर रही हो? बात करो ना। हेलो। कौन? कावेरी जी ना। hey, उसका नाम मत ले, गड़बड़ हो जाएगी। hey, नहीं तो चुप। नहीं नहीं। तो फिर कौन? राधा ना? नहीं जी। तो नाग बल्ली। क्या बात है बेटा, ऐसे अकेले में क्यों बैठी हो? ऐसा कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही बैठी थी। सत्या भाई नमस्कार। ओहो, आओ भाई गुलकन्ना, आओ यहाँ बैठो। क्या बात है बेटी, आज बाप बेटी दोनों खुश नजर आ रहे हैं। बिना माँ की बेटी की शादी हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और वो भी जिसे ये चाहती है उससे शादी करवा रहा हूँ। रितु, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। हमें जो चीज नहीं मिलती उसे भूल जाना चाहिए, नहीं तो उस दुख में हमें आंसू बहाने पड़ते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? बचपन से ही राजा को बहुत पसंद करती है और आपके मन में भी वही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो FM वाली लड़की से प्यार करता है। कैसा जमाना आ गया है, ये लड़कियों के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, अच्छी जॉब नहीं करती, दहेज में कितना पैसा मिलेगा ये सब गणित लगाकर ही प्यार करते हैं। बिन माँ की बेटी को भला कोई कैसे प्यार कर सकता है?
हेलो हाय भैया मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर सिस्टर थैंक यू भैया राधा आज मंदिर जाकर तुम भगवान का आशीर्वाद ले लेना आप दोनों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ इतना ही काफी है हैप्पी बर्थडे राधा थैंक यू भाभी लग रहा है सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो गए आपके वो सब कैसे हैं काव्या सुमा लता ये सब मुझे ही घूर रही हैं बर्थडे की पार्टी जो चाहिए इन्हें क्या कहा उन लोगों को पार्टी चाहिए क्या मैंने पहले ही तुम्हारी पार्टी का अरेंजमेंट प्रिंस होटल में करवा दिया है हाँ? अपने फ्रेंड्स को साथ ले जाकर वहाँ पार्टी कर लो थैंक यू भैया थैंक यू सो मच देखा ना मेरे बर्थडे के लिए मेरे भैया ने स्टार होटल में बर्थडे पार्टी अरेंज कर दी तो आज शाम को तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाना ठीक है ए, ये गाड़ी किसकी मेरे मालिक की गाड़ी भाई स्टेपनी कभी यूज ही नहीं करता राजा हाँ। बात कर लो ना अगर लड़की के साथ बात करोगे तो एनर्जी आती है एनर्जी आएगी तो मेरा गैरेज और ये धंधा एकदम स्पीड में चलेगा अरे बात करो ना स्पीकर पे रखो हम भी सुनेंगे हेलो राजा आज शाम को 7 बजे प्रिंस होटल में आ जाना होटल में हे घबराओ मत आज मेरा बर्थडे है इसीलिए मैंने वहाँ पार्टी अरेंज की है मेनी मेनी बर्थडे टू यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू तुम पार्टी मिस मत करना ओके अरे तुम्हारी पार्टी कैसे मिस करूंगा जरूर आऊंगा अच्छा तुम अकेले मत आना अपने कलीग्स को भी साथ में लेकर आना हे क्या हुआ बात क्यों नहीं कर रहे हो अब कलीग्स को हाँ ओके अब मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे बाय 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 ओके बाय राजा 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 इधर आओ टेंशन में क्यों लग रहे हो बात क्या है कुछ नहीं भाई वो कह रही थी कि कोलिग्स को भी साथ में लाना अच्छा भाई बहुत दिन हो गए बाहर खाना खाए पेट भर के खाना खाएंगे हम लोग मिठाई तो मिलेगी ना सांबर और चावल देखिए ना भाई मैं जब उससे बात कर रहा था तो उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का बिल्डअप दिया मैंने और इनकी शक्ल देख के लगेगा जैसे ओ, अब समझ में आया भाई अगर उसे पता चल गया कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो तो जैसे गाड़ी का इंजन सेट डाउन हो जाता है वैसे ही इसकी लाइफ भी सेट डाउन हो जाएगी भाई राजा एक प्रेमी की प्रॉब्लम को एक सच्चा प्रेमी ही सॉल्व कर सकता है थैंक यू भाई यू डोंट वरी मैं हेल्प करूंगा इन सब शक्लों को 5 स्टार की रेंज की तरह कैसे तैयार करता हूँ देखा बहुत ही सही जगह हाथ डाला है छोकरी ने मेरे इलेक्शन फंड के लिए बहुत सही पार्टी है बहुत खर्चा किया क्या बात है क्या रौनक है क्या क्या बात तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई थैंक यू हैप्पी बर्थडे मैं कैसी लग रही हूँ सुपर तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं यही कहीं हाँ उधर है वहाँ पर ओके चलो एक रुपए का छुट्टा है क्या जरा देना किस लिए लोग कहते हैं ना 100 रुपए नहीं देने चाहिए उसके साथ 1 रुपया भी देने चाहिए भूसा भरा है क्या ये तुम्हारे घर के बाजू वाली बसप्पा की बेटी की पार्टी नहीं है बेवकूफ बहुत बड़े घराने की बेटी है लिफाफे को जेब में डाल अच्छे से बंद करना रे भाई या इट्स माय माय कॉलीग्स ओके हाय मेन पर्सन माय या 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 मैं गरम पानी ही पीता हूँ वो कह रही है कि तुम ही उसके बॉस हो समझ गया रहने दे ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड लाइक माय अंकल ही इज फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड दिस इज थर्ड फ्रेंड ही इज वेरी शार्प ओके हाय या 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 असिस्टेंट ओके या शैल वी गो या श्योर माय फ्रेंड्स ओके बाय बाय मीट लेटर बाय Excuse me, sir. पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है थोड़ा लाइट ऑन करने को बोलो oh.
आंखों से चश्मा हटाइए भाई। मैं अलर्ट होके यही तो देख रहा था। बहुत ही अलर्ट है ये। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस मुझे एक 90 डाल देना। 90 डंडी ओके। ए मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चल उठ जा खड़ा हो जा। हेलो भाई, मुझे लेग पीस नहीं मिल रहा है। अबे तेरी अकल का मैदा मारूं, टेबल पे इतने लेग पीस पड़े थे, सब चट कर गया ये। थू, अरे ले एक बचा, ले खा ले। रहना तो भाई, मिल गया, खा ले। हाँ थैंक्स। वैसे ये राजा का है, दिखाई नहीं दे रहा है। सो कैसी है पार्टी? पार्टी तो बहुत ही ग्रैंड है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट? हाँ ओके मैडम। ओके, ओ माय गॉड, किसने भेजा होगा ये? हेलो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे राधा। ओ रॉकी, थैंक यू। एक मिनट, हाँ मुझे लगा तुम भूल गए होगे। अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूल सकता। हर बर्थडे पर तुम कोई ना कोई सरप्राइज भेज ही देते हो। आई लाइक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, पता नहीं यार कौन चला रहा है ये बंदर की शक्ल वाले। इधर इधर, किसी ने पार्टी नहीं देखी। अरे जल्दी इधर आना, आजा। अरे पार्टी को बुला के गाना नहीं बजा रहे, कैसे काम चले? हाँ चल आजा, ये तुम मरवा के छोड़ेगा। गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे हम लोग। कैसे समझाओ? अरे रुक जा, क्या कर रहे हो? कपड़े क्यों उतार रहे हो? शायद इन लोगों ने। अरे ये रखा तो है, खा लो। ओके राजा, मैंने सब सुन लिया। भाई क्या हुआ? भाई टेंशन मत लो, दुकान पे गुलदस्ते को सब लोग छूते हैं, पर जिसकी किस्मत में लिखा होता वही ले जाता है, समझे राजा? उसने इतना कॉस्टली गिफ्ट भेजा है, इसका एक ही मतलब है कि उसने प्लान बहुत मजबूत बना रखा है। मजबूत? आप ये क्या कह रहे हो भाई? देखो, मेरा तो बस यही कहना है, मुझे लगता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे डोरे डाल रहा है। बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। प्यार करने के तरीके चाहे अलग हो, लेकिन औरत का दिल सबके लिए एक ही जैसा धड़कता है। अगर तुमने उसके साथ एक रात बिता ली ना, फिर वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकती। रात बितानी पड़ेगी, रात बितानी पड़ेगी। हाँ कैसे? उसके साथ रात कैसे बितानी है, प्लान मैं बना के दूंगा। तुम उस लड़की को पीजी में छोड़ने के बजाय सीधे स्टेट पैलेस में लेके जाओ। यस। वाओ, इस पैलेस में मैं कितनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन इतना स्पेशल ये मुझे कभी भी नहीं लगा। थैंक यू सो मच। वाओ ब्यूटीफुल राज, ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ। अब तक मेरे हर बर्थडे पर मुझे महंगे से महंगा गिफ्ट मिला है, लेकिन इस बर्थडे पर तुम मुझे ऐसा क्या देने वाले हो जो मुझे किसी ने नहीं दिया राज?
दुनिया में जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं कसम खा के कहता हूं। मुझे जन्म देने वाली मां और अपनी धड़कन से भी ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगा। राधा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। राज, कितनी बार बोला मेरे सामान को हाथ मत लगाओ, पता नहीं कहां फेंक दिया इन लोगों ने। छोड़ो ना। ए, कहां फेंक दिया रे? क्या कर रहे हो? ए? आराम से। अरे कहां गया रे सामान? अरे कहां फेंका तुम लोगों ने? ए, यहां पे क्यों रखा इसे? चलो ना। अरे पापी कहीं के थू है तुम लोगों पे। तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली क्या? नहीं, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है? सत्यानाश ही करता रहता है थू। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? ए, तुमने वो फट्टा वहां से क्यों उठाया जो मैंने रखा था? यहाँ पे किसने छुपाया? मैंने। चल खड़ा, बाहर निकल। मैं बता रहा हूँ। नहीं छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। नहीं छोड़ो मुझे। सीनियर जरा यहाँ देखो, उसने पहले ही मेरा खाना खराब कर दिया। निकल, निकल यार। बाप रे, जब देखो इनका चलता रहता है, काम नहीं करने देते। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, चैन से कुछ करने भी नहीं देते। आ जाओ बेबी। तुम में और मुझ में बस यही डिफरेंस है कि ये बात तुम मुझे अब बता रही हो। मैं पहले ही रॉकी को राधा के लिए सिलेक्ट कर चुका हूँ। कौन? रॉकी है ना? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रॉकी कई सालों से हमारे यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा है। उसकी ईमानदारी देखकर मैंने अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में देने का फैसला किया है। ये बात क्या राधा को पता है? उसका बर्थडे गिफ्ट तो यही है। फिर वो मेरी प्यारी बहन है, मेरी बात नहीं टालेगी कभी। बाय बाय, टेक केयर। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सूर, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो FM 93.5। तो मजे में रहिए। आज कौन कौन किस किस के लिए प्यार के बारे में बोलने वाला है और हमें बताने वाला है, चलिए देखते हैं। तो लकी कॉलर कौन है, उन्हें फटाक से फोन लगाया जाए। 233-4935। हेलो मैडम, राधा जी बोल रही है। यस yes, बोलिए। मैं किरण बोल रहा हूँ मैडम। ओके किरण, बोलिए किरण, क्या कहना चाहते हैं आप और कहाँ से कॉल किया है? मैं मैसूर से ही बोल रहा हूँ। ओके मैसूर से, ओके फाइन। आज का टॉपिक क्या है ये तो पता होगा ना? पता है मैम, प्रेमियों की सोच जानने के लिए। तो बताइए किरण, क्या आप किसी से प्यार करते हैं या आपको किसी ने इम्प्रेस किया है? क्या मैडम, मैं काफी समय से आपके प्रोग्राम को सुन रहा हूँ। आप पब्लिक के मन की बात जानना चाहती हैं, लेकिन कभी भी आपने अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। सबके प्यार के बारे में जानने वाली आप, आज हमारे लिए अपने प्यार के बारे में जरा बताइए। देखिए किरण, आप जो ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ये बहुत ही पर्सनल है, तो पब्लिक के सामने ऐसे बताने में मुझे झिझक होती है किरण। हाँ क्या मैडम, हम लोग अपनी पर्सनल बातें आपके थ्रू लोगों को बता देते हैं। लेकिन आप क्यों नहीं बता सकती हैं? ये कैसा न्याय है मैडम? हे किरण, आपने तो बिल्कुल सही सवाल किया। तो ठीक है, अगर आपको मेरे लव के बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी है तो बताती हूँ। सुनिए, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। कौन है वो भाग्यशाली? और वो करते क्या है? उनका नाम क्या है? उसका नाम राजा है और वो IB में काम करता है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओह, तो आपके प्यार के बारे में आपके घर वालों को पता है? मैंने इस बारे में अभी तक घर वालों को नहीं बताया है, लेकिन मैं अपने भैया की जान हूँ। वो मेरी पसंद को ना कभी नहीं कहेंगे। ग्रेट मैडम, थैंक यू। आपके लिए प्ले करती हूँ ये गाना। सुनते रहिए रेडियो FM 93.5 और मस्त मजे में रहिए।
हाँ तो ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए था। आशा करती हूँ कि ये गाना आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के बेहतरीन गाने सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। भाई कहाँ पर है? भाई 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 राधा के साथ मैंने एक फुल नाइट बिता लिया भाई, एंजॉय कर लिया। अब मुझे पूरी लाइफ छोड़कर नहीं जाएगी वो, आपने गारंटी दी थी ना। अरे पगले कहीं के। वो क्यों? भाई के साथ 100 रातें बिताने के बाद भी इनकी गर्लफ्रेंड कांता इनको धोखा देकर चली गई, अब वो तुम्हें किस बुनियाद पर गारंटी देंगे? भाई वो क्यों छोड़कर चली गई आपको? राजा कल तक मेरी बीवी बन के रहने वाली, इसकी दीदी बन के रहने वाली, तुम सबकी भाभी बन के रहने वाली, आजू बाजू के साथ प्यार से रिश्ते निभा रही थी, सबका मन मोहने वाली मेरी प्यारी कांता, उस कमीने चिक्का के साथ। नमक हरा भाई, भाई एक मिनट, ऐसी आयरन बॉडी, इस आयरन बॉडी को छोड़कर वो किसी फटीचर बॉडी वाले के साथ चली गई, इसका मतलब उसने ऐसा क्या दिखा दिया जो आपके पास नहीं है भाई? भाई ने जो नहीं दिखाया होगा वो उसने दिखाया होगा, इसलिए वो चली गई। क्या उन दोनों ने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा? क्यों है तेरे ऊपर? अरे भागने के लिए कोई आधार कार्ड की जरूरत होती है? अरे कोई आधार नहीं मिला तभी तो वो चली गई। अरे शट अप भाई से। सुनिए भाई, एक बार किसी के साथ साथ फेरे ले लिए तो वो जिंदगी भर चलता है भाई। राजा कांता मेरी जान थी, इलेक्शन के टेंशन में हनीमून भी नहीं हुआ था। कभी ना पता नहीं क्या होगा। भाई हनीमून की बात सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, दुख बता रहा हूँ। आप हौसला बनाए रखो भाई, जब उसे इस बात का एहसास होगा तो वो खुद आ जाएगी, उसकी आती है, आप पहले हनीमून मनाना। मैं सड़ा फल खा सकता हूँ लेकिन किसी का झूठा नहीं। भाई जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तब झूठा ही क्या, सड़ा हुआ भी खाना पड़ता है। सच बात है क्या? हाँ भाई। एक्सक्यूज मी एक मिनट। देखो जो होना था हो गया, अब उसे भूल जाते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। भाई राधा के भाई को हमारे बारे में सब पता चल गया है, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। अपनी कार की चाबी देकर मेरी हेल्प कीजिए भाई। भाई कमीने, आपने तो कहा था कि लव करो। भाई अब आगे से किसी के भी लव में हेल्प नहीं करूंगा मैं। भाई मेरी कांता के चले जाने के बाद मेरा जीवन बिना करंट के बल जैसा हो गया। अब मैं दुबई चला जाऊंगा, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना कुछ और करना है, बस बहुत हुआ, अब मैं चला जाऊंगा, अब मैंने तय भी कर लिया। अरे भाई एकदम सिचुएशन का गाना बजाए, फोन करके मैंने ये गाना बजाने अच्छा के लिए कहा था। हाँ। मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दो। क्या एयरपोर्ट तक छोड़ना होगा? नहीं तो क्या शमशान जाएगा? तुम चलो। चलो चलो चलो। अरे अगर मेरे प्यार को उसके भाई ने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, और ऊपर से अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बता दिया। अब तक आए क्यों नहीं? ये लड़का इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? सर, आप मुझे इतनी दूर लेकर आए तो मैं समझा था कि आप कहीं शूटिंग पर आए होंगे। लेकिन यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे क्या करना है, कुछ भी करने दो सर। एनी प्रॉब्लम सर? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? पेमेंट कर रहा हूं ना मैं, अब बिल्कुल मत बोलना और चुपचाप खड़े रहो।
अरे भाई 500 रुपए कम है इसमें। सर अभी मेरे पास इतने ही है, यहीं बगल वाली गली में रहता हूँ, राजा नाम है, किसी से भी पूछ लेना। क्या कहा? फिलहाल आप ये रख लीजिए। तुम गली में रहो या पैलेस में रहो, पहले 500 रुपए निकालो। अरे जाने दीजिए ना सर, 500 के लिए इतनी किटकिट क्यों कर रहे हो? सिर्फ 500 रुपए के लिए बोल रहे हो? मेहनत करके कमाओगे तब पता चलेगा। सर जो 500 रुपए कम है वो मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। क्यों, तुम उसे अपनी पगार से पैसे क्यों दे रहे हो? वो सर मेरी जान पहचान वाले हैं सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। अंकल आप उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं, फिर भी आपको खरी खोटी सुनाई, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, रहने दो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे बेटे की याद आती है मुझे। अरे उमेश भाई सर आओ, कस्टमर वेट कर रहा है। हाँ सर आ रहा हूं। देखो बेटा शायद तुम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अपनी मां और जिससे प्यार करता हूं उससे झूठ बोला है मैंने। राजा वहाँ हमारी राह देख रहा होगा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? जाएंगे जाएंगे, एक कॉफी पी लें फिर चलेंगे। जरा दो स्ट्रॉन्ग कॉफी दीजिए। ये लीजिए। कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है, आपका धंधा तो अच्छा हो जाता होगा। हाँ सब कुछ खर्च निकाल कर डेली के लगभग 300 रुपए हो जाते हैं। और यही कॉफी कॉफी डे में 150 रुपए में एक मिलती है। अच्छा तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बस एक ही बेटा है मेरा, सॉफ्टवेयर कंपनी में वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कोई बात नहीं, कॉफी चाय बेचकर आपने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है। हाँ राजा, ये यहाँ पर क्यों आई है? राजा कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, पर तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए ना, तुम यहाँ कैसे? अभी रहने दो, बाद में मिलेंगे। अरे मैं और भैया वहीं पर आ रहे थे तो भैया ने कहा कि यहाँ कॉफी पी लेते हैं। चलो मैं तुम्हें भैया से मिलवाती हूँ। राधा कुछ अर्जेंट काम चलो है मेरी ना, पता नहीं फिर कभी टाइम मिले ना मिले। चलो ना भैया, हम जिससे मिलने जा रहे थे ना राज यही है। हेलो मिस्टर राजा, नाइस टू मीट यू। हेलो सर। अरे बेटी, मेरे बेटे राजा को तुम पहले से ही जानती हो? मतलब भैया को ये सब पहले से पता था? सर्च। ये यार राजा कौन है? मैं हूँ सर, क्या बात है? तेरी तो कितने दिनों से गांजे और अफीम का बिजनेस कर रहा है। सर मैं राणा कह रहे हैं। सर आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है सर, आप जिसे ढूंढ रहे हैं ये वो नहीं है। चल बता। सर मैं किसी गांजे अफीम का बिजनेस नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। राजा सुनो, तुम जिस कंपनी में काम करते हो ना वहाँ का आईडी कार्ड दिखाओ। दिखाओ ना राजा। ओ ये भी काम करता है, चल अपनी कंपनी का आईडी दिखा। वहाँ काम करता है तो आईडी कार्ड तो होगा ही ना, दिखा। मेरे पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, जो है ही नहीं उसे कहाँ से दिखाऊं मैं, कोई इंजीनियर नहीं हूँ मैं। राजा ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम नहीं करता, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, इसीलिए ये झूठ बोला। लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लोगों को हमारे बारे में
शांत हो जाओ। कौन है ये सब लोग? सर, जिस लड़के को अरेस्ट किया है ना, उसी की जान पहचान वाले हैं। ओ, साहब ने जिसे अरेस्ट किया था उसी के लोग हैं क्या? हाँ, हाँ सर, रही। सर, आप मेरे बेटे को अरेस्ट कर लाए हैं। मेरा बेटा कहाँ है? उसने कौन सा काम किया है तुम जानती नहीं हो? ये क्या बात कर रहे हो सर, वो गाड़ी रिपेयर करने के अलावा कुछ नहीं जानता है। बस बस यही तुम लोगों की प्रॉब्लम है, ना पढ़े लिखे हो ना कुछ जानते हो। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं जानते। वो एक गैंग के साथ शामिल होकर काम कर रहा था। कितने दिनों से उसकी तलाश थी, पर आज जाके वो हमारे हाथों लगा है। उसने ऐसी क्या गलती की है जो आप उसे अरेस्ट करके ले आए? वो खुद आप लोगों के पास आ जाएगा, अभी आप लोग जा सकते हैं। मम्मी, इन्हें जो इंक्वायरी करनी है करने दीजिए, राजा ने कुछ गलत नहीं किया है। देखिए मैडम, हमारे साहब के आने का समय हो गया है, वो आकर क्या कहते हैं उसके बाद हम आप सब लोगों को आके बता देंगे। आप जाइए यहाँ से। ए, भेजो ने, चलिए जाओ, बाहर चलिए, चलिए चलिए जाइए। हाय। हाय। एक्चुअली मेरे मन में क्या है ये तुम्हें पहले से ही पता होगा। आई लव यू राधा। मेरा हाथ छोड़ो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। रॉकी, मैं तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझती थी। राधा। रॉकी। देखो रॉकी, मैं पहले एक लड़के से प्यार करके धोखा खा चुकी हूँ। अभी उस दर्द से उभरने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और अब आगे मैं किसी से प्यार करना चाहती ही नहीं, समझे तुम? आगे से अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना, तो अपने भैया को बता दूंगी, समझे तुम? रॉकी, ये तू क्या कर रहा है यार, होश में है कि नहीं? अरविंद सर को पता चला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ए, पता चल जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा वो? प्यार में धोखा खाई हुई लड़की को सहारा दे रहा है ये सुनकर खुश होगा। वकील साहब, इतनी देर क्यों हो रही है? धैर्य रखिए साहब, 3 महीने से अंदर है, 3 मिनट तो लगेंगे ही। इतना लाइटली मतलब वकील साहब, जो 3 महीने से अंदर है उसे देखने के लिए 3 मिनट भी बहुत है। क्या बात है, गधे की तरह मुंह क्यों लटका के बैठे हो? हे साहब, बुला रहे, चलो बाहर आओ। बस तेरा यही काम है, अंदर आना बाहर जाना, दिमाग खराब कर रखा है। अबे चलना भाई, छूट गए क्या? नहीं, फिर से आने वाला हूँ। ठीक है भाई। अबे चल निकल यहाँ से। आओ भाई आओ, साइन करो यहाँ पर। नमस्कार आनंद भाई, क्या अतिथि सेवा की है आपने, सही समय पर उठा देते हो, घर का बना हुआ चिकन मटन लाकर हमें खिला देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं तुरंत वापस चला आऊंगा। ए, हॉस्पिटल और जेल में ये बात कभी मत कहना कि मैं वापस आऊंगा, समझ गए? हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया, अगर कोई MLA MP आ जाए तो उसे मेरी जगह शिफ्ट मत कर देना, समय समय पर मेरा कमरा साफ हो जाना चाहिए। तुम्हारा कमरा साफ हो या ना हो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम दोबारा अंदर आए तो तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करूंगा मैं। भाई, ओ भाई आ गए, भाई आ गए, चलो चलो। नमस्ते भाई। भाई भाई भाई, हे
भाई मैं जेल से छूट गया, इस बात की खुशी मनाने के बजाय रो कौन रहा है? भाई भाई वो मैं हूँ भाई। रो रहा है भाई। बस हो गया तेरा, अब साइड में आ जा। मैं सब कहाँ कराता रहा भाई भाई। रहने दे। अरे मेरा सोना रो क्यों रहा है? बिना टॉमी के अंडरवियर, अरे जब कुत्तों की तरह, और लीडर के बिना गुंडागर्दी, पानी बिना कुआं कैसे हो सकता है? आपके बिना हम तो जीते जी मर गए थे भाई। इस छोटे बच्चे से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन हमें अपनी पावर इन रावड़ी लोगों को दिखानी होगी। छोड़ो, अब मैं बाहर आ गया हूँ और इन रावड़ी लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अब कोई मेरे सामने खेल खेलेगा तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर जमीन में गाड़ दूंगा। पैदा ही हुआ हूँ लोगों को डराने के लिए। चल भाई, समझ गया भाई। लेकिन आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए? इन पुलिस वालों ने आपका ख्याल व्याल रखा कि नहीं? अरे इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं जेल में हूँ या घर पर इसका पता ही नहीं चला। लेकिन ये नया जेलर है ना, वो मेरे बारे में नहीं जानता। जहाँ नहीं मारना चाहिए था वहीं मारा। सॉरी भाई, आपको जेल से बाहर लाने में थोड़ा समय लग गया इस वकील की वजह से। भाई इस मिशन राज का अब बहुत ज्यादा हो गया है। ओहो, क्या भाई मिशन राज, कैसी है तेरी बीवी? अब तक तो सब ठीक ही रहा है भाई, आगे का नहीं पता है। भाई अब आ गए ना, अब आगे से केस पर केस, केस पर केस। भाई आप जेल का सड़ा हुआ खाना खाकर बोर हो गए होंगे। चिकन लेग पीस, अखी, मुर्गी, सब कुछ रेडी। जल्दी करो मेरे बाहुबली। भाई के आंखों में सामने वाली और दिल पर छाने वाली नखरे वाली चाहिए। क्या चाहते हो मुझसे रॉकी? इस लड़की को फिल्मों में काम दिला दूं क्या? नहीं तो क्या, कॉल सेंटर में इसको कहीं जॉब दिला दूं क्या? वो सब नहीं, किडनैप। बस 3 दिन के लिए, पैसों की चिंता मत करो, उसे किसी भी चीज की तकलीफ ना हो और उसे एकदम सेफ जगह पर रखना। हमारे लिए तो सिर्फ सेफ जगह जेल है। जेल हम लोगों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। बाप रे बाप, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को छुड़ाने के लिए जो डिमांड होगी उसका कम से कम 40% मुझे चाहिए। मैं कोई डिमांड मांगने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं उससे प्यार करता हूँ। ओ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा क्यों? इसका मतलब उसकी तरफ से 2-way नहीं, 1-way है। 3 दिन तक अगर उसे किडनैप करके रखा तो कोई भी उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। तब अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले उसके भाई के पास मेरे अलावा कोई नहीं होगा। तब जाकर मैं बनूंगा करोड़ों का मालिक। अब बताओ तुम्हें कितना चाहिए? तुम कह रहे हो उसका भाई करोड़पति है, तो इसका 10% बहुत हुआ मेरे लिए। बस 10% मांग कर हमारी गैंग की इज्जत कबाड़ मत करो, कम से कम 5 लाख रुपए तो मांगो। इस बेवकूफ के बच्चे को 5 और 10 का हिसाब ही नहीं मालूम है। ओके, 5 लाख रुपए ज्यादा ही दूंगा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसका किडनैप करवाया है। हेलो, अगर हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो हम अपने बॉस की भी बात नहीं सुनते हैं। मुंह बंद रख कमीने। सुनते। इसके डायलॉग्स इसकी बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी एक्सपीरियंस आदमी के हाथ में ही ये डील सौंपना। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। इस डील के लिए मैं कोई बढ़िया आदमी ढूंढूंगा। डोंट वरी, द डील इज डन। Hey, चलो अंदर, चलो। Hey, चुप बैठो। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुपचाप बैठे रहो। Hey, कौन हो तुम? गाड़ी रोको। रोको। Hey, रुक जाओ। Stop. इधर आओ। देखो मुझे कुछ मत करना। अगर भागोगी तो गोली मार दूंगा। प्लीज मुझे कुछ मत करना। घुटनों पर बैठो। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जा रही हूँ मैं।
तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मेरी जिंदगी में आके तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारी झूठी कहानियों पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं उस वक्त भी बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये झूठ है। लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है, मेरा प्यार सच्चा है। मेरा भरोसा करो प्लीज। देखो, मैंने सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू की है। अब आगे से मुझे फोन करना, मैसेज करना या मेरा पीछा करना बंद कर दो। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे जीने दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं जा रही हूँ। चली जाना, लेकिन 2 दिनों के बाद जाना। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ए, अब तुम्हारा किडनैप हो चुका है। किडनैप? और मैं? देखो, ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, है ना? अगर मैंने अपने भाई को फोन किया ना, तो पैसे तो छोड़ो, परमानेंटली तुम जेल में सड़ोगे। जेल जाना तो छोड़ो, इतना सब हो जाने के बाद तुम्हारे ऊपर से प्यार, सेंटिमेंट्स, इनमें से कुछ नहीं रह गया। अब 2 दिनों के लिए अपना मुंह बंद रखना, चुपचाप रहना। समझ गई मैं। तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। तुम्हें मैं नहीं मिली, पैसे नहीं मिले, इसीलिए मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो तुम। यू चीटर, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मार डालो मुझे। तुम्हें धोखा देने वाला मैं नहीं, कोई और है जिसने तुम्हारी जिंदगी खराब की है, और वो कोई और नहीं, रॉकी है। हाँ? रॉकी? मेरी इस परिस्थिति की वजह भी तुम्हारा वो रॉकी ही है। उस दिन वो पुलिस वाले मुझे कहाँ लेकर गए थे ये तुम जानती हो क्या? बल्कि गांजा के एक केस में मेरा एनकाउंटर करने ले गए थे। एक इलीगल गैंग के साथ वो मुझे भी मारने वाले थे। लेकिन उस दिन किस्मत से मैं बच के भाग निकला। डेफिनेटली कूद के बचेगा नहीं। इतनी गहरी खाई में अगर गिरा तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। क्या हुआ निरंजन? डोंट वरी रॉकी, अब वो तेरे और राधा के बीच में कभी नहीं आएगा। किसी को बिना खबर किए स्नेक गैंग के साथ में उसका भी एनकाउंटर कर दिया। ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब अपनी जिंदगी मजे में बिताओ। अगर मैं तुम्हें पाने निकलता तो मेरी माँ मुझे खो देती, इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को भुलाने की कोशिश करने लगा। उन कमीनों ने कितना मारा है मेरे बेटे को, उन्हें कीड़े पड़े, नाश होगा उनका। मैंने कितने दुख झेलकर तुझे बड़ा किया है बेटा, पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। सब उस रेडियो वाली लड़की की वजह से हुआ है दीदी। ये बात सही है क्या? उस दिन जो अपने भाई के साथ आई थी वो लड़की वही रेडियो वाली है क्या? देखो, जब कोई गरीब लड़का अमीर लड़की से प्यार करता है तो उसमें उसका स्वार्थ होता है। जब कोई अमीर घर की लड़की गरीब लड़के से प्यार करती है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल होता है तो उसका प्यार है बेटा। उस लड़की को भी तुमसे प्यार है, इसलिए शायद वो अपने भाई के साथ आई थी। अरे, उसके पीछे घूमने की वजह से ही तो इसने जेल की हवा खाई है। अगर कहीं उससे शादी हो जाती तो ये नरक की हवा खाता। दीदी आप भी बताओ, ये प्यार का चक्कर हम गरीब लोगों के लिए है क्या? क्यों नहीं, क्या हम गरीबों को प्यार नहीं हो सकता? देख, ये सब मैं नहीं जानती, अगर तू उससे प्यार करता है तो मेरी बहू वही बनेगी। माँ की बात मुझे ठीक लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे पीजी में, रेडियो स्टेशन, हर जगह ढूंढा। बाद में पता चला कि तुम बेंगलुरु चली गई हो, इसीलिए मैं बेंगलुरु आ गया। थैंक्स भैया। अरे रुक जा, रुक जा, ए, 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 तो, बोलो रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। झूठ, सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया, सर नहीं, क्या कर रहा? सर ये लो। अरे ये बैग मुझे क्यों दे रहे हो? कौन हो तुम? अरे कहाँ जा रहे हो?
रुक जा, भागना मत, चलो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी गलती नहीं है सर। अरे अपना बैग लेके जाओ ना। ये बैग मुझे क्यों देना चाहते हो सर? वो पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पीछे ही पुलिस पड़ी है सर। अच्छा तो ऐसा है क्या? इसका मतलब आप पुलिस वाले नहीं हो? वो रहे। अरे बैग उधर गया। रुक जा। रुक रुक। कहाँ है वो? उस तरफ कहाँ गया? उधर चलो। भाई तुम क्यों भाग रहे हो? अगर पकड़ा गया तो सीधा शूट। हाँ, शूट कर देंगे। रुको रुको रुको। क्या है इस बैग में? लगता है बैग वाले का फोन होगा। हेलो। मुंह खोला कि नहीं भाई? उसने फोन उठा लिया। एक मिनट रुक। हेलो। अरे कहां पर चले गए तुम? एकदम से गायब हो गए। कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें यहां पर। सर, हमारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का आपको बैग देकर चला आया। उसमें मेरी माँ के कैंसर के सर्टिफिकेट्स हैं सर, एक्सरे और दवाइयां भी हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी उसी में है। अगर सही वक्त पर दवाई नहीं दी तो मेरी माँ मर जाएगी सर। अरे तू क्यों रो रहा है? माँ को इतनी तकलीफ है, अब मुझे पता चला। चुप का। सर आप कहाँ पर हो सर, बता दो, मैं खुद आकर ले लूंगा सर। आप कह रहे हैं कि आपकी माँ इतनी तकलीफ में है, तो आपका आना ठीक नहीं रहेगा। एड्रेस भेज दीजिए, मैं खुद ही बैग देने वहाँ आ जाऊंगा। सर सीधा बैंक वाले रोड पर आइए सर, वहाँ से लेफ्ट टर्न आएगा सर, वहीं एक पुराना गोडाउन है, हम लोग वहीं पर काम करते हैं सर। अच्छा मैसूर रोड पे, ठीक है आप एड्रेस भेजिए, मैं पूछते हुए आ जाऊंगा। वो खुद यहाँ आ रहा है, अगर वो बैग मुझे खाली दिखा तो तुझे और उस मच्छर को अच्छी तरह मसल दूंगा। बैग उसे देके ये यहाँ पर आकर नाटक कर रहा है भाई, वो जैसे ही आ जाएगा बैग उससे ले लेंगे। जाने दो डैनी, वो सब मैं बाद में देख लूंगा। सुनो तुम बेंगलुरु के लिए निकलो, टाइम हो गया है, एक अच्छी डील है, जाओ। इस कमीने को जिंदा छोड़कर कैसे मैनेज करेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, इसकी दीदी ने जो कहा है भुगत तो रहा हूँ, तुम निकलो यहाँ से। लग रहा है मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या मेरी दीदी के बारे में? उसकी दीदी के बारे में। या! अरे क्या हुआ रे तुझे? मेरे भाई, वेलकम टू माय अड्डा, कम आओ, आओ चलो। भाई 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 देखो भाई, ये लो चेक कर लो भाई। हाँ सब ठीक है ना भाई, सब बराबर है ना? नाम क्या है तुम्हारा? राजा। कौन सा गांव? मैसूर। ये कह रहा था कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, वो किस लिए? वो मैं पुलिस से बचने के लिए भाग रहा हूँ। अरे मुझे देखो, जेल आता जाता रहता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात भाई? है हमारा जाना आना अलग बात है, इसका तो एनकाउंटर वाला केस है। एनकाउंटर? लग रहा है कोई बड़ा केस किया है इसने। ठीक है अब आ ही गए हो तो सही जगह पर आए हो, एक काम देता हूँ तुम्हें, वेरी सिंपल। रात में जाने का, गाजा अफीम सेल करने का, कभी पकड़े गए तो छोटा मोटा केस, फिर छूट कर बाहर आ जाना। अगर हमारे साथ काम करोगे तो पुलिस का लफड़ा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा मोटा मैकेनिक हूँ, मैंने ये सब कभी किया नहीं। लग रहा है ये लड़का गांजा का नाम सुनकर डर गया है, एक सिंपल डील करके देखते हैं। देखो भाई, उस डील की वजह से मुझसे चूक हो गई थी भाई, इसलिए आपने मेरे मुंह पे थूक दिया। वही करूंगा, कभी ना कहीं का। राधा, इस डील के लिए अपनी शक्ल देख पहले। देखा, चतुर दिमाग वाला, शक्ल वाला तू है क्या? तू 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 भाई वो उसके लिए नहीं, लड़की का काम परफेक्ट होना चाहिए। मैं समझ गया, सॉरी, यही है तुम्हारी पहली डील। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज्यादा इसके बारे में सोचना मत। इसे किडनैप करने के लिए 5 लाख रुपए में डील तय की है मैंने, तुम ये काम करोगे या नहीं करोगे? मैं करूंगा। भाई ये डील आप किसको दे रहे हो भाई? मुझे दे दो, चुटकी बजाते ही खत्म कर दो भाई। तू बस चुटकी ही बजा सकता है, लेकिन ये बांसुरी बजा सकता है। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे 50% चाहिए भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ,
ठीक है, मुझे क्या। एक बात अपनी खोपड़ी में उतार ले, अगर तूने डबल क्रॉस किया अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो कोई और तुम्हें किडनैप करता। मैंने सब सच सच बता दिया है। अगर तुम्हें भरोसा है तो दो दिन मेरे साथ रह सकती हो, बाकी खुद ब खुद पता चल जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो, मैं शेशु बोल रहा हूँ। बोलिए सर। जैसे ही शहर क्रॉस करोगे लेफ्ट साइड में एक ब्लैक कार खड़ी होगी, नंबर है KA04MJ1009। उसे ले जाकर उस कार में बिठा दो। हाँ? पर वो तो मेरे साथ रहने वाली थी। इस धंधे में जबान की वैल्यू होती है, पर मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। जितना मैंने तुझसे कहा है बस उतना ही कर। तो फिर सर ये किसके साथ, कौन लेकर जाएगा इसे सर? उस गाड़ी के अंदर खतरनाक कवाली है, नाम है मित्रा। बात करने में वो बहुत मजाकिया टाइप का है, उसके साथ भेज दो उसे। सर लेकिन एक मिनट। उस लड़की के साथ शादी करने वाला वो लड़का रॉकी बहुत ही डेंजरस है। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की की डिलीवरी करके अपना हाथ निकाल लो। तुम्हारा 50% रेडी रहेगा, आकर ले लेना। ठीक है सर, सुन लिया ना? ठीक है, मैं दो दिन के लिए चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी माँ की कसम खा के तुम्हें प्रपोज किया था, और अब भी उनकी ही कसम खा कर कहता हूँ तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर। कन्नड़ का कव्वाली हूं मैं। ये कव्वाली तुम्ही हो क्या? माल किधर है? क्या वो तुम्ही हो क्या? माल किधर है? हे माल नहीं, लड़की बोल। हे, तूने एक प्रोफेशनल किडनैपर पर हाथ उठाया है। जैसे मारा है उस हिसाब से मुझे डाउट हो रहा है। हे, ये मास्क हटा। अच्छा, तुझे माल चाहिए या मेरी शक्ल देखनी है? माल? लड़की लड़की लड़की। अब ठीक है। ऐसे देखेगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी तेरी। इसे देखकर लग रहा है कि इसका किडनैप नहीं हुआ है, इसके लक्षण नहीं लग रहे हैं। तुझे भी देखकर लग नहीं रहा है कि तू कोई किडनैपर है। बस तीन किडनैप और कर लूं, पूरी सेंचुरी हो जाएगी। तू ऐसे ही किडनैपिंग की काउंटिंग और डिस्कशन करता रहा, मैं लड़की लेके जा रहा हूँ। ठीक है, माल चेक कर लेना। अरे माल नहीं, लड़की लड़की। बापरे बापरे, ये क्या कर रहा है? अरे गन नहीं, गन नहीं। कैसा लगा? ये भी डरा रही है, मर्द की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तो सर, नमस्ते सर। आइए आइए आइए, सब कुछ ठीक है ना? खुश हो ना तुम? जी जी, धन्यवाद। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है, लगता है रात में दो शो देख लिए। अगर फिर से एक शो देखना हो तो रात में वापस आ जाना, ठीक है? चलो चलो। ये लो, पहुंच गए। जहाँ लेकर जाना था, ये तो उससे भी अच्छी जगह, बहुत बढ़िया। ए, अरे भोंदू कहीं के, जो खाने को मिला वो खा खा कर पूरी बॉडी हाथी जैसी बना रखी है, और ऊपर से गाड़ी रिक्शा जैसी चलाता है। तेरी तो गड्ढे वड्ढे देखता भी है या नहीं? गाड़ी बहुत छोटी है ना, इसलिए बड़े गड्ढे नाले कुछ दिखाई नहीं देते हैं। अब आगे से देखना, रेल चलती है वैसे चलाऊंगा एकदम आराम से।
आराम से, यहाँ से क्या उतारना है पहले ये बताओ। अरे बाप रे, इसकी शक्ल तो देखो। चलो लगेज उतार दो। हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं जाकर एकदम आराम से मसाज करवाऊंगा और आराम करूंगा। ये लड़की तो पूरी आग है। यही जगह है। वेलकम टू कपलिंग कॉटेज। आप जैसे कपल्स की वजह से ही हमारे होटल में चार चांद लग गए। अच्छा, अरे ये दम वाला दम नहीं है। हमें एक सिंगल रूम चाहिए। वो क्यों, तुम टेरेस पे सोओगे क्या? दो रूम देना। डीलक्स रूम या नॉन डीलक्स? इसके लिए तो कोई भी कबाड़ खाना दे, पर मेरे लिए सुपर डिलक्स विद द ऑल फैसिलिटीज। आइए 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 आइए। ये है लकी रूम। किसके लिए? आने वालों के लिए। ये कैसी स्मेल आ रही है? अरे स्मेल, एक मिनट मैडम, रूम फ्रेशनर लाता हूँ। लव बाइट नमः, हंसाए नमः, करो नमः, बेड पे किस करो नमः। ये रूम है या फिर सीमेंट का गोदाम? जो यहाँ रहेगा उसकी हालत क्या होगी? अरे भाई, अगर सुबह से सफाई करते तो शाम तक सफाई हो जाती। इसकी हालत तो बहुत बुरी है। आप मॉर्निंग का शो चालू कीजिए। अरे ये क्या है? सिर्फ गैस है, पानी तो है ही नहीं। एक मिनट मैडम, मुगो बकेट पर बकेट 50 रुपीस। ये तो मुझे भी दिख रहा है कि ये बकेट है, पर तुमने कहा था यहाँ सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। आपके कहने का मतलब क्या है? चुप कर, कस्टमर को कोई उल्टा जवाब देता है? इस कॉटेज का फिर से शुरू हो गया। मेरे दादा परदादा के जमाने से इतिहास है कि उनकी शादी नहीं हुई। वैसे मैं भी आज तक कुंवारा ही हूँ, मैं क्या करूँ, बूढ़ी किस्मत है मेरी। हेलो मिस्टर अरविंद, कैसे हैं आप? ओ हेलो, प्लीज टेक योर सीट। मैं असूर जा रहा था। मिस्टर कपूर ने कहा कि आपसे मिलता हूँ। बात क्या है? मेरी बहन घर से शॉपिंग के लिए निकली लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। फ्रेंड लोगों के साथ कहीं ट्रिप पे गई होगी, वो बिना मुझे बताए कहीं भी नहीं जाती है। क्या आपको किसी पर डाउट है? किसी पर डाउट? नो चांस सर। पॉलिटिक्स हो या फिर बिजनेस, हमारे सर का कोई दुश्मन नहीं है। अगर ये बात बाहर लीक हो गई मेरी इमेज पर इफेक्ट आएगा। ओके मिस्टर अरविंद, डोंट वरी, आपकी बहन को सही सलामत घर पर लाने की जिम्मेदारी मेरी। प्लीज रिसेंट फोटो मिल सकती है क्या? मैं बगल वाले कमरे में हूं, कोई जरूरत पड़े तो आवाज देना। अब राज, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहीं पर सो सकते हो। बोलो रॉकी। वेल डन निरंजन, क्या सुपर एक्टिंग की है तुमने। उस अरविंद को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। रॉकी, डिपार्टमेंट को धोखा देकर मैं तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहा हूँ, सो मेरी लाइफ को भी सेट कर दो रॉकी। कर दूंगा। निरंजन, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो शेशु मेरा फोन नहीं उठा रहा है और राधा का एड्रेस भी नहीं बता रहा है। चलकर उससे थोड़ी बातचीत करते हैं। डोंट वरी रॉकी, पुलिस का पावर दिखाकर थोड़ा दबाव डालूंगा तो सारी बात बाहर आ जाएगी। थू 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 थू। लड़की मिलते ही फोन साइड में रखकर कहां पूजा करने लगा। तेरी पूजा में आया महादेव, तुझे क्या चाहिए तू मांग ले बच्चा। हे लावारिस की औलाद, बजा। मामा, वो शेशु यही है क्या? हाँ यही है शेशु। राधा का फोन नहीं लग रहा है और तू भी फोन नहीं उठा रहा था। राधा को कहां पर छुपा कर रखा है बता। हे बोल, राधा को कहां छुपा कर रखा है? उसे मैंने कहां छुपाया है, सिर्फ मुझे पता है।
भगवान की कसम खा के कहता हूँ, डराओगे धमकाओगे तो नहीं बताऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी डील मैंने सेटल की है तो ये डील तो बहुत छोटी है मेरे लिए। छोटी मोटी डील करके मैं थक चुका हूँ, मुझे चैन से अच्छी डील करनी है। आई डोंट लाइक तुम्हारे बोलने का मतलब। आई वॉन्ट 5 crores। रॉकी सिर्फ तुम हाँ कहो, मैं इसे यही ठोक देता हूँ। देखो पुलिस वाला मामा मजाक कर रहा है। ए मामा, तेरे जैसे मेरी जूती के नीचे रहते हैं, हाँ? उस गन को अपने पिछवाड़े में डाल ले, अगर वो कहेगा ठोक देगा। आया बड़ा भाई, जरा शांत रहो, आजकल आपका टाइम खराब चल रहा है। ए, ये मेरा क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा अंदर डाल देगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ऑलरेडी जेलर को बोल के आया हूँ कि जल्दी आऊंगा, नेक्स्ट कमिंग रूम क्लीन द रूम। ये बच्चा मुझे डराने आया है। अरे तुम, अरे स्वामी नारायण हो गया, चलो। तेरे अकाउंट में ये दूसरा खाता जुड़ गया। हे हे, उसका एड्रेस सिर्फ इसे ही पता था। ए बहादुर सर, गांजे वाले केस में ये एनकाउंटर भी शामिल करो। हाँ। उसका मोबाइल लेकर आओ। ठीक है सर, ये लीजिए सर। डायल में जो लास्ट नंबर है ना, हाँ। ट्रेस करके पता करो किसका। हाँ। है ठीक है सर, जल्दी। ओके सर। भाई फोन। हेलो डैनी, कहाँ है तू? सकलेश्वर में हूँ सर। अब से तेरी लाइन पूरी क्लियर कर दी है, अब आगे से तू ही डॉन है। सर तो फिर शेषु? ऐसी जगह भेज दिया जहां से वापस नहीं आ सकता। जो सपोर्ट मैं उसे देता था वो मैं तुझे दूंगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलिए सर। मड़ेकेरी में एक जो कपल कॉटेज है, ओके, वहाँ राधा नाम की लड़की है। हाँ। उससे और उस किडनैपर दोनों को खत्म कर दो। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, आपके लिए कुछ भी करूंगा मैं। जो मेरी नहीं हुई उसे मैं किसी की नहीं होने दूंगा। थैंक्स रितु, थैंक्स। राधा के लिए उस किडनैपर के साथ जाकर तुमने राधा को बचा लिया। कोई बात नहीं, तुमने जो अपने प्यार को बचाने के लिए किया है उसमें बस एक छोटी सी हेल्प की है मैंने। राधा को भरोसा था कि मैं अच्छा इंसान हूं, इसीलिए उसने हमारे प्यार के बारे में अपने भाई को भी बताया था। मैंने ही इससे झूठ बोला कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने अन्याय किया, धोखा दिया उसे, और अब वो सब याद करके मुझे खुद से घिन आती है। इस बारे में इतना मत सोचो राजा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे पता है। राधा तुम्हें जरूर मिलेगी। राधा मुझे फिर से मिलेगी, फिर से मुझे प्यार करेगी, ये सपनों की बातें। पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। अगर बदकिस्मती से राधा को मैं किडनैप नहीं करता तो राधा उन गैंग वालों के हाथ लग जाती, फिर पता नहीं उसके साथ क्या होता। अब जाकर वो सेफ है, उसे उसके भाई के पास पहुंचाकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुमने मुझसे जितनी आस लगाई थी, मेरे हर सुख दुख में साथ दिया, और बचपन से ही हमेशा मेरी हेल्प करती आई हो, और मैंने तुम्हारे लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। राजा तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, ये सब तो कुछ भी नहीं है। कम ऑन, हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, ठीक है ना? चलो। राजा हाँ।
love you. ये क्या है भाई? हर कोई ड्यूअल सिम के साथ आता है, ये सिंगल सिम के साथ आए हैं। लग रहा है बाहुबली बनाने आए बॉस। बॉस भले ही आते सिंगल हैं, लेकिन नाइट इफेक्ट में ड्यूअल सिम बन जाते हैं ये लोग। अच्छा, इसे ही बिजनेस कहते हैं बॉस। वेलकम टू कपल कॉटेज सर, दमदार दंपति के लिए होटल है। अगर आपको रूम चाहिए तो बुक कर सकते हैं। यहाँ पर राधा नाम की कोई लड़की है? यहाँ पे इस नाम से कोई नहीं है।
रजिस्टर में देख कर बताओ। सर राधा नाम की लड़की है, अकेली नहीं है सर, दो लोग हैं सर, वाइफ ऑफ कपाली सर। कपल है। कहाँ पर है, चलो दिखाओ। ए रूम बॉय, हाँ रूम खाली कर रहा हूँ, बिल तैयार करवा दे। ए, मुझे ऐसे लोग क्या दे रहा है हा? हे कैसे कैसे लोगों को रूम बॉय रखा है यहाँ, अगर ऐसे लोग काम करेंगे ना तो मूड ही नहीं होगा। अब हो जाएगा सर मूड। ए मुगु, ये दिवाली की गन लेकर मुझे डरा रहा है, ऐसी गन तो मेरे घर पे दो चार पड़ी हुई है। ये सर कौन है? अब सर ये अपनी श्रीमती जी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं सर। भाई से दूर करो, इसे सीधे मुंह में डाल दोगे क्या? थोड़ा मुंह में डालने से पहले बताएगा तो बच जाएगा। भाई लोग तुम लोग उस तरफ देखो। ए तुम लोग यहीं पर रुको। ए यहाँ पर है क्या? अरे अबे सीधे चल। यहाँ पर है। दाढ़ी वाले मामा सिर्फ देख कर चले जाना, उसे लेकर मत जाना। ए, मुझे क्या अपने जैसा समझाए? चल हट, बजा। अबे दरवाजा तोड़ेगा क्या? तू मैसूर के झोपड़पट्टी वाली ना? मिस्टेकन, मेरी मम्मी कहती है कि एक ही शक्ल के सात लोग होते हैं, ये दूसरे नंबर की है, मेरी राधा। यहाँ मेरे साथ खेल खेल रहा है तू? ए, बता राधा कहाँ है? कहाँ है राधा? वो राधा यही है। अरे रुक जा, तुझसे तो पुराना हिसाब बाकी है, पूरे ब्याज के साथ वसूलूंगा। मैं ही राधा हूँ, यही मुझे किडनैप करके लाया। मैं लाया हूँ, मैं शेशु का आदमी हूँ। इसकी ब्यूटी देखकर इसे जहाँ लेकर जाना चाहिए था उसके बजाय इसे यहाँ ले आया। ए खजूर, ये मैसूर के झोपड़पट्टी वाली है, लग रहा है कि तुझे चूना लगाया है किसी ने। नो नो, मुझे किसी ने चूना नहीं लगाया। मामा मेरी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसे ही करते, पूछो क्यों? क्योंकि उसने एक मंकी क्या पहनी हुई थी। अबे मंकी की औलाद, क्यों मेरे दिमाग का दही कर रहा है? ए चलो रे सब, इसे लेकर चलो। मामा उसे छोड़ो, जब तक वो नहीं मिलती इसे ही पकड़ के रखते भाई। ए, वो लोग यही होंगे, ढूंढो उन्हें। ए, चल मामू, माई राधा, चल छोड़ दीजिए, चल मेरे साथ। माई राधा छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं है, मैं जानता हूँ। उस टाइम तो तू बचकर निकल गई थी, आज नहीं छोड़ूंगा। दाढ़ी वाले अंकल ऐसा मत कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? मुझे उंगली दिखाता है। छोड़ दो छोड़ दो। भाई वो यहाँ पे छुपा हुआ है। ए, वो यहाँ पर है, आ जाओ। अरे यार, बॉस, ये दोनों आपस में क्यों? ये तो इन्हें कुत्तों की तरह मार रहा है बॉस, ये नहीं बचने वाले हैं। अरे चलो, राजकुमार जी, मर्दों की गली में जाके देखो, अगर जिगर में इतना दम है तो जो मर्द होगा वही बचकर निकलेगा, तो जीत के दिखाओ ओ शिखंडी। भाई क्या है? तुम दोनों को भाई बुला रहे, जाओ
कौन अरे वो भाई? तुम भाई को नहीं जानते क्या? हमारा भाई वहां पर है, देखो। मैं जिसे जानता हूँ वो एक ही भाई है, जिसे बिना किसी खून के रिश्ते के सभी लोग उसे प्यार से अपना भाई कह के बुलाते हैं। अभी तो वो स्वर्ग में है, उसके जैसा भाई तो ना अभी तक कोई पैदा हुआ है न कभी होगा। भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। स्टॉप, रुक जाओ। अगर मैं कहूँ तो एक साल, अगर तू कहे तो सिर्फ 2 मिनट। इनमें से कौन सा चाहिए तुझे? हाँ बोल, कैसा लगा डायलॉग? शेर को तूने सिर्फ फोटो में देखा होगा, या फिल्म में देखा होगा, या फिर किसी चिड़ियाघर में देखा होगा, लेकिन पंजा उठाकर दे दिया ना तो देख लेना। सांस रुक सकती है लेकिन उसका नाम नहीं, इसके लिए जिगर में दम होना चाहिए। कैसा लगा मेरा डायलॉग? क्या है रे? आधे घंटे से हाथ नहीं उठा रहा, समझ गया? अरे इतनी जोर से क्यों मार रहा है? मेरा जनरेटर ऑफ कर दिया तूने। ये कपाली का आटा है, वो भी कन्नड़ कपाली का। अबे यार, अरे भागो भागो, अरे रुक ना, बहुत है क्या? अरे बाप रे, तेरी। अरे अरे वो थक गया, पानी पानी देखो वहाँ रहा, पी लो। अरे ये खारा 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 क्यों लग रहा है ये पानी? हाँ खारा ही है। बैड वाटर थी। थू 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 थू। ऐसा मैंने क्या किया तेरे साथ जो इतना खेल खिला? मेरी राधा। तेरी दादागिरी? नहीं, पीछे घूम जा, मैंने कहा ना घूम। तेरी तो, ए इधर आ जाओ। क्या हुआ, आंखों में आंसू? मैं रहूंगा सदा तुम्हारे लिए, पूरा गांव है मेरे लिए, बहन जाए आंखों से आंसू। इनका भी नुकसान होगा, करूंगा सबकी रक्षा। क्यों करते हो चिंता? इन हरामखोरों का झंझट ही नहीं चाहिए, प्रोफेशनल किडनैपर बनने से अच्छा है मैं गांव जाकर प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर खोल लूं, अच्छे से जिंदगी कटेगी। भाई 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 भाई, देखा मैंने तुझे सपनों में, राजा भाई बस गए हो तुम मेरे मन में, उम्मीद के फूल खिले रहे पूरे मन में। भाई 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 भाई, देखो ना दिल के हर कोने में बसे हो तुम मेरे भाई। उधर देखो तो मेरे सपनों में तुम, मेरे दिल में हो तुम। ये जिंदा कैसे बच गया? राधा सिर्फ मेरी हो जाए इसके लिए मैं चील की तरह नजरें गड़ाए बैठा था, तूने बीच में आकर मेरा खेल बिगाड़ दिया।
मेरे इतने सालों के प्लान को तूने चौपट कर दिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकर जा इसे। चल। छोड़ दो, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सर ये वही है सर जिसने राधा को किडनैप किया था, इसे जिंदा मत छोड़िए सर, मारिए इसे। मेरे साथ विश्वासघात, तुम्हारी औकात क्या है ये मुझे अब पता चला है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है सर तो दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। सर स्पेशल केस के लिए मैं यहाँ पर आया था। आई नो यू एवरीथिंग। तुम हमारे डिपार्टमेंट को धोखा देकर जो काम कर रहे थे मैं सब जानता हूँ। सो यू सस्पेंडेड। अरेस्ट करो इसे। सर 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 सुनिए सर 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 चलिए सर प्लीज मेरी बात सुनिए। चलो सर सर चलिए सर चलो सर चलिए बात सुनिए। लेके जाओ इसे। तुमने इन्फॉर्म करके अच्छा किया। अरेस्ट ऑल ऑफ देम। थैंक यू अरविंद। चलो थैंक यू थैंक यू। मूव मूव मूव। जानबूझकर आपकी बहन को किडनैप नहीं किया था, बल्कि गुंडों से बचाने के लिए इसका किडनैप किया था। भूल हो गई हो तो माफ करना। राजा, जिंदगी में यह सब होता रहता है। कोई आता है तो कोई जाता है, जो भी होता है अच्छा ही होता है। चलो छोड़ो, देखो तुम सबके लिए तो मैं हूं ना, और तुम्हारे लिए मेरा गैरेज है, खुशी से रहना। चलो चलते हैं, आ जाओ चलो। प्यार के लिए चाहे सब कुछ त्याग दो, लेकिन प्यार को कभी मत छोड़ना। अगर ऐसा किया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। तुमने मेरी जायदाद से नहीं, मेरी बहन से प्यार किया। सिर्फ यही अच्छाई देखकर मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करता हूं। जाओ अपने प्यार को गले लगा लो। राजा, जब इन्होंने कह दिया तो सोच क्या रहे हो? जाओ। अब इतना क्या सोचे हो भाई, जाओ। थैंक यू सो मच सर। तुमसे दूर रहने की शक्ति मुझ में नहीं है राजा। आई लव यू राजा, आई लव यू।